खबर अगली गोरखपुर से है। यहाँ एक नेताजी के आंसू निकल गए। मामला एमएलसी चुनाव का है, जहां जयप्रकाश नाम के एक समाजवादी पार्टी के नेता रोने लगे। इन नेताजी का नाम जयप्रकाश यादव है, जो मंत्री भी रह चुके हैं। जब जयप्रकाश को लगा कि उनकी जगह सीपी चंद्र नाम के नेता को एमएलसी चुनाव का टिकट मिलना तय है, तो रो पड़े। जयप्रकाश नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव की दुहाई देने लगे। जयप्रकाश की माने तो अगर मुलायम ने इनके आंसू देख लिए, तो फिर समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा नहीं करेगा जो उनका टिकट काट सके। यही नहीं, जयप्रकाश ने टिकट कटने की हालत में आत्महत्या तक की धमकी दी है। अगर 1 इंच जमीन अगर गोरखपुर के अंदर हो, फिर सब नेताजी नहीं रुके हैं यहीं पर। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जिले से लेकर उस जिले तक 5 साल से वो आदमी सीपी चंद्र यहाँ काम करा हो, अगर दिखा हो किसी के दुख सुख में, जाके दूसरे जिले में बढ़ तो जा और बढ़ के अपना करेगा। तो मेरे कहने का मतलब, मुझे बहुत आज अफसोस है इस चीज का कि मैं 10 साल से वनवास, आज मेरी जनता निर्विरोध बनाने जा रही थी। सच्चाई है, जो लोग कान भर रहे हैं, जो यहाँ के दलाल है, दोनों जिले के बता दूं आपको, काम नहीं है उनके पास कुछ, खाली कान भरना कि नहीं नेताजी ये हो जाएगा, ठाकुर जुड़ जाएंगे, फलाने जुड़ जाएंगे, नहीं बैगवर्ड छोड़ दो, फांसी दे दो, पूरे समाज को फांसी दे दो। और कोई बढ़िया प्रतिनिधि अगर भेज दो मुख्यमंत्री जी, पता कर लें कि किसका जनाधार है, टिकट दे दो उसको, मेरे कोई गम नहीं है। लेकिन मुझे बहुत कष्ट है, और अगर मैं इस तरह के ये लोग हरकत करेंगे, मैं आत्महत्या मजबूर हो जाऊंगा। काम करा है, मेरा वही दरवाजा है, वही घर है। कोई बता दे अगर 1 इंच जमीन अगर गोरखपुर के अंदर हो, मेरे साथ क्यों आएगा? मुख्यमंत्री